अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं पार्ट टू की मैथमेटिक्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली थी, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो एक्सरसाइज 3.4 के बारे में आपको कुछ बात बता दूँ, क्योंकि इस चैप्टर में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने होते हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज टोटल कितनी है, 8, और 3.5 में से शॉर्ट नहीं आता, ठीक है, उसमें शॉर्ट नहीं आता, ठीक है। तो बाकी कितनी रहेगी, 7, 7 एक्सरसाइज हैं, तो 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है 3.4 में से 2 शॉर्ट या 1 तो कन्फर्म होता है हर एक्सरसाइज में से, लेकिन 3.4 में से ना ज़्यादातर 2 शॉर्ट अक्सर दे देता है, ठीक है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी दे देता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन 95% या 98% चांस होते हैं, या तो एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, उसके ए या बी पार्ट लॉन्ग में आते हैं, ठीक है, वो आएंगे, तो या फिर ये वाला इसमें से लॉन्ग आएगा, ठीक है। ये 2 एक्सरसाइज में से लॉन्ग आता है, इसके अलावा और किसी एक्सरसाइज में से लॉन्ग नहीं आता, ठीक है। एक लॉन्ग इसमें से फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम बनता है, ठीक है, और दूसरे वाले में बनता है, यानी 3.6 से लेकर 3.8 तक, उसमें से एक लॉन्ग बनता है, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स में से, ये वाला मतलब फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, दोनों में से एक टाइम यहाँ पे से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपने ये अच्छी तरीके से करनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इससे पहले हमारे पास इसके बारे में एक नया टॉपिक हमने शुरू करना है, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के अंदर हमने पावर रूल पढ़ लिया, सम रूल पढ़ लिया, डिफरेंस रूल वाला पढ़ लिया, ठीक है। तो हमने ये लॉगरिथमिक वाले पढ़ लिए, लेकिन अब हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है कि हमने ये नहीं पढ़ा कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, उनकी इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, वो स्टडी करते हैं। कहता है व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, जब दो फंक्शंस की हमें क्या दी हो, प्रोडक्ट दिया हो, आर गिवन, हमें दी गई हो, देन द इंटीग्रेशन ऑफ सच प्रॉब्लम इज डन बाय ए टेक्निक नाउन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इसकी जो इंटीग्रेशन हम करते हैं, उसको एक नए मेथड से करते हैं, एक टेक्निक करते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसे इसका क्या नाम देते हैं हम, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। फर्ज करें हमारे पास ये दो फंक्शन है, एफ ओफ एक्स और जी ओफ एक्स, ये जो दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या इनके दरमियान डॉट है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, उसके बाद माइनस लगाया करेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, यानी कि जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका हम ले लिया करेंगे डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन, और डी एक्स आ जाया करेगा साथ, ठीक है, और बाहर भी डी एक्स आ जाया करेगा, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, सभी क्वेश्चन में 3.4 की यहाँ ये यूज़ होना है, और आगे भी बहुत यूज़फुल है तकरीबन, अब जितनी हमने आगे करनी है 3.8 तक, तो वहाँ ये सभी में तकरीबन यूज़ होना है, हर एक्सरसाइज में इसके एक या दो क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। इसमें 3.4 में तो सभी में यूज़ होएगा ना, लेकिन आगे जाकर भी ये यूज़ होगा, तो आपने इसी तरह फार्मूला याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हाई जब इसके बाद आप इंजीनियरिंग करेंगे, वहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो आपने इसी तरीके से याद करना है। फार्मूला क्या, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, एफ ओफ एक्स और जी ओफ एक्स दो हमारे पास फंक्शन है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद माइनस, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर डी एक्स लगा दिया करेंगे, यानी कि इसको सोल्व करने के बद फिर इसकी दोबारा इंटीग्रेशन लिया करेंगे। तो ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, तो इसको यूज़ करके हम आगे क्वेश्चन सोल्व भी करेंगे। तो इसके लिए एक, अब हमारे पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमारे पास फंक्शन कितनी किस्म के होते हैं, 5 किस्म फंक्शन होते हैं ऑलमोस्ट। एक हमारे पास होता है इन्वर्स फंक्शन, हमने पढ़े हैं, ठीक है, इन्वर्स वाले, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े हैं लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े हैं, उसके बाद हमने कौन से पढ़े हैं, अल्जेब्रिक फंक्शन पढ़े हैं, ठीक है, अल्जेब्रिक, ठीक है। उसके बाद हमने कौन से फंक्शन पढ़े हैं, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, और आखिर में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े हैं, ठीक है। ये हमने 5 फंक्शन पढ़े हैं। तो अगर हम दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमें कैसा पता चलेगा कि एफ ऑफ एक्स कौन सा और जी ऑफ एक्स कौन सा है? तो ये एक वर्ड है, इसको आपने याद रखना है, इसके जरिए आपको पता चलेगा कि हमने पहले वाले कौन सा रखना है, अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उनमें इन्वर्स वाला फंक्शन कौन सा है, यानी कि माइनस वन वाला, यानी कि टैन इन्वर्स माइनस वन हो गया, साइन इन्वर्स माइनस वन होगा, इस तरह इन्वर्स वाला फंक्शन देखना है। तो जो इन्वर्स वाला होगा उसको हमेशा क्या रखेंगे, पहला फंक्शन रखेंगे। उसके बाद देखना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन है तो वो वाला पहला होगा, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर हमारे पास कौन सा होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो आपने इस तरतीब से लगाने हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ठीक है। जो फर्स्ट फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स होता है, और जो सेकंड फंक्शन होता है जी ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4, तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो उसके अंदर कहते हैं इवेलुएट द इनडेफिनिट इंटेग्रल्स, ठीक है। इनडेफिनिट इंटेग्रल का क्या मतलब, मैंने आपको बताया हुआ है, जिसके ऊपर हमें लिमिट्स नहीं दी होती उसे कहते हैं इनडेफिनिट इंटेग्रल। उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आखिर पे क्या आता होता है, हमारे पास सी आता होता है हमेशा, इसको जब सोल्व करते हैं हमारे पास आखिर पे सी लाजमी आता होता है जब इंटीग्रेशन खत्म करते हैं, ठीक है। ये होते हैं इनडेफिनिट इंटेग्रल। तो डेफिनेट क्या होंगे वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे 3.6 में जाके, तो उससे पहले ये वाली चीज़ें हैं, तो आप ये वाली तरीके से करते हैं। तो कहते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका, मैं सारे पार्ट करवाऊंगा आज के लेक्चर में,
तो आपने सारे अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है, कहता है हमारे पास इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। एक हमारे पास एक्स वाला फंक्शन है और दूसरा हमारे पास साइन एक्स वाला फंक्शन है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इंटीग्रेशन लगानी है, तो कौन सी लगाएंगे, क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट है उनका, तो हमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो वो क्या कहता है, पहले हमने फंक्शन डिसाइड करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड कौन सा होगा। तो हमारे पास वर्ड क्या, आई लेट, आई लेट का मतलब वर्ड है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक फंक्शन हमारे पास अल्जेब्रिक है और दूसरा कौन सा है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है। तो इधर देखते हैं, हमारे पास पहले कहते हैं अल्जेब्रिक फंक्शन पहले रखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा रखना है, तो इसी तरह से हम यूज़ करेंगे और इसको सोल्व करते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट हम सोल्व करेंगे, तो हमारे पास ये देखें, ये वाले दो फंक्शन है, तो इसको ये वाला फार्मूला लगाना हमने। तो इस वर्ड के तहत हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे अल्जेब्रिक फंक्शन होगा उसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड फंक्शन रखेंगे, यानी यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन होगा हमारा और ये कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखें ज़रा, तो इस फार्मूले के तहत फर्स्ट फंक्शन कौन सा हमारे पास एक्स है, तो एक्स वैसे ही आ जाएगा और इंटीग्रेशन कौन सी, सेकंड फंक्शन यानी साइन की हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस आ गया, उसके बाद ये इंटीग्रेशन वाला साइन आ गया, उसके बाद क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एक्स है तो ये वाला आ गया। उसके बाद हमारे पास जी ऑफ एक्स कौन सा सेकंड फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ये वाली चीज़ आ गई और डी एक्स आ गया, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको समझ आ गया कि हमने किस तरह अप्लाई किया है। तो उसके बाद हम सोल्व करते हैं कि हमारे पास देखें एक्स वैसे ही आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये माइनस कोस एक्स आ जाएगी, ठीक है। बाकी अब इंटीग्रेशन तो आपको आती है, वो तो आसान ही है, ये माइनस वन वैसे आ गया, उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन होगा, ये साइन की इंटीग्रेशन होगी माइनस कोस एक्स होगी। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखें जरा, ये माइनस एक्स कोस एक्स हो जाएगा और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन कोस एक्स बचेगा और डी एक्स बचेगा। तो इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास साइन एक्स आ जाएगा। कोस एक्स इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स होती है, वो आ गया प्लस सी, इस वजह से क्योंकि वो जो छुरी के साथ लगा हुआ, तो वो सी साथ आ गया। तो इसको अब रीअरेंज करके लिख देते हैं, जो पॉजिटिव वाले से पहले लिखते, नेगेटिव वाले को बाद में लिखते, फिर सी लिखते हैं। तो ये रीअरेंजमेंट करके लिख दिया, तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई, क्योंकि हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, कैसे अप्लाई करना तो वो मैंने आपको बता दिया। आपने जब भी ये स्टार्ट करना तो आपने ये लाजमी लिखना है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इसका मतलब वो खुद ही समझ जाएगा, आपने ये मखसूस फार्मूला लगाना है, ये वाला जो हमने फार्मूला पढ़ा है, तो वो उसको यूज़ करके हम सारा सोल्व कर लेंगे। तो अभी एक और इसका पार्ट करते हैं, तो आपको मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ज़रा, वो कहता है हमारे पास एक हमारे पास लॉग एक्स है, ये हमारे पास उसने दिया हुआ है लॉग एक्स डी एक्स, नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स दिया हुआ है। तो अगर किसी के साथ जब हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, हमारे पास दो फंक्शन होने चाहिए, एक फंक्शन पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स नहीं लगता। तो यहाँ पे तो एक दिया हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे, वन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये दो फंक्शन बन जाएंगे, ये हमारे पास कौन सा लॉग वाला फंक्शन, ये हमारे पास न्यूमेरिकल फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, नंबर वाला फंक्शन, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर इसकी इंटीग्रेशन ले तो क्या बनता है, हमारे पास एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन आ जाएगा, हमारे पास अल्जेब्रिक फंक्शन बन जाएगा ना यहाँ से। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी अगर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगानी है और हमारे पास दूसरा फंक्शन नहीं है, तो हमेशा क्या लेंगे, वन से मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे, तो वो हमारे पास दूसरा फंक्शन बन जाया करेगा, क्योंकि वन का जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है, ठीक है। तो एक्स क्या है, हमारे पास अल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ज़रा, इस फार्मूले के तहत हम ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये वाला होगा, ठीक है, और सेकंड फंक्शन ये वाला होगा, ये जो हमने मान लिया, ये सेकंड फंक्शन होगा। तो सोल्व करते हैं, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, ठीक है, ये फार्मूले के तहत फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ गया, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वन की इंटीग्रेशन ले ली, उसके बाद ये माइनस वैसे आ गया ये वाला, ठीक है, ये माइनस वैसे आ गया। उसके बाद क्या, इंटीग्रेशन का साइन आ गया, उसके बाद हमने क्या करना, डी बाई डी एक्स आ गया, डी बाई डी एक्स आ गया। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन ये लिख लिया फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ले ली और डी एक्स ये वाला आ गया है साथ, ठीक है। तो ये हमने ये वाला अप्लाई कर दिया, अभी देखें ये इसको सोल्व करेंगे यही आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे एक्स आ जाएगा, और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव क्या होता है, वन डिवाइडेड एक्स आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी, ठीक है। तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, अगर स्टेप में देखें ज़रा तो सोल्व करते हैं। देखिए मैं आगे ऐसे कर देता हूँ आगे, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई यहाँ पर, देखें ज़रा, तो देखें हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई, वन की इंटीग्रेशन आ गया, एक्स आ गई, उसके बाद ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स नेचुरल लॉग का, उसके बाद ये एक्स वन की इंटीग्रेशन एक्स आ गई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये हम इसको इस तरह लिख लेंगे, एक्स इंटू नेचुरल लॉग एक्स और ये माइनस वैसे आ गई इंटीग्रेशन आ गई, तो ये वन की अब इंटीग्रेशन करनी है, तो वन की इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। उसके बाद इसको वन की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी, तो ये वैसे आ गया, इसकी इंटीग्रेशन एक्स आ गई प्लस सी जो छोटे के साथ लगाया, तो ये हमने सोल्व कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर थ्री करते हैं, पार्ट नंबर थ्री के साथ ही हमारा फोर फाइव और सिक्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो सारे एक तरह है, तो मैं एक दफ़ा ही सारे करवा दूंगा यहाँ भी, ठीक है। हमारे पास उसने दिया है एक्स इंटू नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आपको पता है जब हमने आई लेट फार्मूला पढ़ा उसके अंदर तहत क्या है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन होगा और जो अल्जेब्रिक फंक्शन होगा ये सेकंड फंक्शन होगा, क्योंकि आई लेट है ना, तो ये देखें ये लॉगरिथमिक और अल्जेब्रिक, ठीक है। तो ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या होगा डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला लगा दिया है,
तो अब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या इसकी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स का डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा ये माइनस, उसके बाद इसकी जब डेरिवेटिव लेंगे 1/2 एक्स आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन आएगी एक्स का डिवाइडेड बाई टू आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, ये एक्स का डिवाइडेड बाई टू ऐसे आ गया, नेचुरल होगा एक्स आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो ये एक्स और एक्स के कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे एक्स का डिवाइडेड टू बचेगा, ये 1/2 बाहर आ गया, उसके बाद एक्स बचेगा, ये बचेगा ना एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी एक्स के डिवाइड बाई टू आ जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, एक्स के आगे प्लस सी आ गया। ठीक है, तो इसको अब दोनों में एक्स के डिवाइड बाई टू आ रहा है, इसमें भी एक्स के डिवाइड बाई टू आ रहा है, तो कॉमन लेने का बाकी नेचुरल होगा एक्स बचेगा माइनस 1/2 बच जाएगा यहाँ से और प्लस सी आ जाएगा। तो देखें बिल्कुल आसान हमने सोल्व कर लिया। लेकिन अब इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। अगर पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास ये गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिया उसने, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या चेंज आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चेंज आएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ गया, यहाँ पे भी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सारी चीज़ ये चेंज आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, इसको जब सोल्व करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे भी 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/9 और एक्स क्यूब आ जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1/3 एक्स क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, और बाकी यही चीज़ आएगी। अब अगर जो इसके बाद जो इसका पाँचवा पार्ट है, पाँचवा पार्ट के अंदर वो क्या कहता है, हमारे पास पाँचवें पार्ट के अंदर यहाँ पे आ जाता है एक्स की पावर 3 आ जाएगी। जब यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। जब यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्स की पावर 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये भी एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये भी एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये भी एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की पावर 4 आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की पावर आ जाएगी 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 है ना, तो यहाँ पे एक्स की पावर 5 नहीं, यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, नहीं 4 होगा, ये वाला 4 ना, तो ये 4 यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 16 बन जाएगी, ये 4 आ जाएगा, एक्स की पावर 4 दोनों में आ रहे थे, यहाँ पे एक्स की पावर 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। और जब 5 होगा तो यहाँ पे सारा पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने चौथा पाँचवा और छठा ये तीनों भी सारा डिस्कस कर दिए हैं, तो इस तरह ये सोल्व हो जाएगा। तो इसके बाद इसका पार्ट नंबर अब 7 करेंगे, क्योंकि 6 तक तो हो गया, अब 7 वाला पार्ट करते हैं। तो उसके अंदर देखते हैं क्या है, तो कह रहे हैं टैन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो आपको मैंने बताया था जब एक फंक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, 1 हमेशा साथ से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। तो अब हमारे पास 2 फंक्शन हो गए हैं, तो ये देखें इनवर्स वाला फंक्शन है ये, तो ये कौन सा होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये अलजेब्रिक फंक्शन बनेगा, तो इसलिए सेकंड फंक्शन होगा। देखें ज़रा, फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, तो ये देखें इसको जब सोल्व करेंगे तो वैसे आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो 1 आ जाएगी, एक्स आ जाएगी, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स होती है, क्योंकि एक्स से रिस्पेक्ट है। उसके बाद देखें इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये होता है, टैन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ डेरिवेटिव वाले चैप्टर 2.5 में। ठीक है, वहाँ पे आप ये फार्मूला आपने पढ़ा है, तो उसको बताया ये इसकी वैल्यू ये होगी, तो ये आ जाएगा एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब देखें इसको सोल्व करते हैं, टैन इनवर्स एक्स, ये एक्स ये वाला आ जाएगा, उसके बाद ये 1/2 आ गया। अब ये देखें ये वाली चीज़ है, ऊपर ये वाली चीज़ है, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, एक्स 2x आ जाएगा, तो ऊपर अकेला एक्स है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये वाली चीज़ कर दी। अब देखें ये एक फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग में आ जाएगा, ये इधर इस साइड पर ले लेंगे इसको, ये वाली चीज़ आ गई, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस 1/2 वैसे आ गया, ये नेचुरल लॉग में आके नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा प्लस सी जो छुट्टी के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व होगा। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 8 है, पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, तो वो कहते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये 2 फंक्शन आ गए हैं, ये कौन सा अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, और ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आपको पता है आई लेड के तहत ये ए पहले आता है और टी बाद में आता है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, ये वाला फर्स्ट फंक्शन था वैसे ही आगा, सेकंड का सेकंड इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और डी एक्स आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस एक्स होती है साइन की, उसके बाद माइनस वैसे आ गया, उसके बाद ये इंटीग्रेशन वैसे आ गई। अब टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, वो आ गया, इसकी इंटीग्रेशन आ गई माइनस कोस एक्स आ गई और डी एक्स आ गया। अब यहाँ से देखें ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स
और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 2x cos x dx आ जाएगा। ठीक है, तो आगे इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। देखें ज़रा, हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, यही चीज़ मैंने आपको बताई, माइनस एक्स स्क्वायर कोज एक्स प्लस टू वाई ले लिया, इंटीग्रेशन एक्स कोज एक्स डी एक्स। अब फिर ये देखें, हमारे पास दो फंक्शन है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे और इनकी इंटीग्रेशन लेनी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर हम दो दो दफ़ा इंटीग्रेशन बाई पार्ट लेंगे, किसी में तीन दफ़ा, किसी में चार दफ़ा। ठीक है, जब तक हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट में फंक्शन खत्म ना हो जाए और इंटीग्रेशन बाकी ना रहे, तब तक हम इसको एवेलुएट करते रहेंगे। एवेलुएट का मतलब करने का मतलब क्या, अगर इंटीग्रेशन आ रही है क्वेश्चन में तो इंटीग्रेशन को खत्म करना है। तो अगर हम यहाँ पर आंसर खत्म करते हैं तो यहाँ तो इंटीग्रेशन फिर आ रही है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन को खत्म करना है, इंटीग्रेशन खत्म करेंगे तो फिर हमारा जाके आंसर आएगा, उससे पहले आंसर नहीं आएगा। उसके पहले चाहे आपको 10 दफ़ा भी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करनी पड़े तो आपने करनी है, तो हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें ये अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, ये आपने लिखना है अगेन लाजमी लिखना है, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। क्या होगा, इस पर तो नहीं रहेगा क्योंकि ये तो इसके साथ इंटीग्रेशन तो है नहीं, तो ये तो वैसे चलता जाएगा साथ। ठीक है, यहाँ पे एंड तक। उसके बाद बाकी इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का क्या मेथड है, ये टू ऐसे आ जाएगा बाहर। अब ये क्या है, हमारे पास अल्जेब्रिक फंक्शन है और ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो देखें ज़रा, फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड की इंटीग्रेशन, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स। ठीक है, तो ये वाली चीज़ वैसे ही आ गई सारी, ये टू वैसे चलता जाएगा, ये एक्स आ गया, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो कोज एक्स की इंटीग्रेशन होती है, साइन एक्स होती है, तो ये आ गई। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव वन आ गया, उसकी इसकी इंटीग्रेशन आ गई, ये वाली आ गई, तो वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो बाकी हमारे पास साइन एक्स ही बच जाएगा। ये वाली चीज़ सारी वैसे आ गई, टू अंदर मल्टीप्लाई होगा, टू एक्स साइन एक्स हो जाएगा, टू इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस टू हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन ये वाली चीज़ आ जाएगी, ये वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब हमने वहाँ पे तो हमने लेनी होती है खुद से, लेकिन यहाँ पे हम नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसको हमने इंटीग्रेट बाय पार्ट से करना होता है, इसलिए हम साथ वन ले लेते हैं। यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इंटीग्रेट बाय पार्ट से इसको सोल्व करना है, तो इसलिए यहाँ वन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये वाली चीज़ वैसे आ गई, ये वाली चीज़ भी वैसे आ गई, ये दोनों चीज़ वैसे आ गई ना ऊपर वाली। अब ये माइनस टू आ गया, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगी, माइनस कोज एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन वन से डिवाइड कर देंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साथ सी जो इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट आता है आपको पता है। उसके बाद ये सारी चीज़ वैसे आ गई, ये भी वैसे आ गई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये टू आ गया, ये कोज एक्स आ गया, प्लस सी आ गया, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें इसका पार्ट नंबर 9 है, बिल्कुल आसान है। देखो मैं बिल्कुल आसानी से आपको करवा रहा हूँ, आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, मैंने सारी डिटेल से बता रहा हूँ, कोई यार ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको जो आपको परेशान करे, सारी आसानी से आपको समझ आनी चाहिए अब। ठीक है, अब देखिए ये वाला दो फंक्शन है, ये हमारे पास कौन सा इन्वर्स वाला फंक्शन है और ये कौन सा है हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आई लेट है फार्मूला। ठीक है, आई लेट, तो यहाँ से देखें ज़रा, ये फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला फर्स्ट फंक्शन होगा हमारा। ठीक है, और ये कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन होगा, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन ले ली, उसके बाद क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, उसके बाद डी एक्स आ जाएगा, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या, अब आपने ये नहीं करना पावर में एक ऐड, आपने डायरेक्ट लिख देनी है जो आपको आती है। ठीक है, क्योंकि अब आप इस काबिल होंगे कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब ये नहीं करना कि आपने पावर में एक ऐड किया और पावर से वो डिवाइड किया तो फिर बहुत लेंथी सवाल हो जाएंगे। आपने इसको कम से कम स्टेप्स में सवाल को सोल्व करना, जितनी जल्दी हो सके आप इसके अंदर शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपके नंबर नहीं कट ऑफ करेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको लिखें क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो गया, आपने डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, इसका इसका डेरिवेटिव ये फार्मूला आपको पता है, डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स का फार्मूला, वो वाला इसका आंसर लिख देंगे, ये क्यूब इसके फिर ये इंटीग्रेशन आ गई और डी एक्स आ गया। अब यहाँ से देखें इसको मजीद सोल्व करते हैं तो ये वैसे ही आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे माइनस वैसे ही आ गया, और ये देखें 1/3 बाहर आ जाएगा, ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे 1+x² है, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, आपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर है ना फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर एक्स की पावर बड़ी है और नीचे वाली छोटी है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो आपको पता है, हम डिवाइड करते हैं, इसको अंदर रखेंगे, इसके डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। तो यहाँ पे देखें हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये वाली चीज़ देखें ज़रा, ये एक्स क्यूब के अंदर का इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब इससे डिवाइड करेंगे तो हम एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स बन जाएगा, तब तो होता है इसका लामा चेंज हो जाती है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास माइनस एक्स बच जाएगा। तब तो इसको क्या लिखेंगे, ये वाली हम लिखेंगे इसको माइनस एक्स ऊपर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वाला लिखा जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह लिखेंगे तो देखें ये वाला पहला फंक्शन तो वैसे चल जाएगा, माइनस 1/3 वैसे आ गया। अब इसकी जगह पे ये वाले फंक्शन की सारी जगह पे हमने ये वाली चीज़ लिख दी, ये वाली जो हमने इसका आंसर निकाला है, नहीं सच ये वाला लिख सकते हैं एक्स माइनस ये वाला नीचे वाला और डिवाइडेड बाई वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे ये प्लस का होना था, ये वाला माइनस का होना था। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, तो उसको लिख देंगे इस तरह। अब ये दो फंक्शन आपस में
वो हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है इनका, तो इनको अलग अलग करके लिख देंगे दोनों पे, अलग अलग लगा दिए इंटीग्रेशन, ये माइनस और ये माइनस आपस में, ये देखो 1/3 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 1/3, तो -1/3 जब एक्स से मल्टीप्लाई होती है ये वाली चीज़ बन जाएगी, जब ये -1/3 से मल्टीप्लाई होती है माइनस माइनस प्लस हो गया और 1/3 आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला फंक्शन आ गया, ठीक है। तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद देखें जरा इसको वैसे लिखते, ये वैसे चलता जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स का डिवाइड बाई 2 आ गया तो ये लिख दिया हमने, तो 1+1/3 वैसे आ गया। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि इसका हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स 2x होता है, तो ऊपर हमारे पास एक्स है तो 2 क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनता है, देखें ये वाली चीज़ वैसी आ गई, इसको सोल्व करेंगे तो 1/6 आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे 1/6 आ गया, तो ये सारा नेचुरल लॉग में लिखा जाएगा और प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आसानी से सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे, बस आपने वो फार्मूला लगाना है और आगे सोल्व करना है, सोल्व करना तो आपको आता ही है, ठीक है। तो जो मुश्किल स्टेप है वो मैं आपको सारे साथ साथ बताता जा रहा हूँ। उसके बाद देखें अब ये अगला पार्ट इसका आ गया है, पहले हमने किसके लिए सोल्व किया था, एक्स स्क्वायर के लिए सोल्व किया था, अब किसके लिए आ गया, एक्स के लिए। अब मैं सारे यहाँ पे क्यों नहीं करवाया, क्योंकि इसके अंदर एक दो स्टेप डिफरेंस आते हैं, तो इसलिए ये मैंने ऐसे करवा रहा हूँ। तो देखें जरा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो ये हमारे पास होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पहला फर्स्ट फंक्शन होगा, ये अलजेब्रिक है, ये सेकंड फंक्शन होगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही रखना होता है। तो देखें जरा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाए, फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड की इंटीग्रेशन, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे वैसे आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन जब लेंगे तो आएगा एक्स का डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, उसके बाद ये इंटीग्रेशन वैसे आ गई, इसके जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, ये तो आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए। इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे एक्स का डिवाइड बाई 2 आ गया, अब इसको मजीद सोल्व करते हैं तो ये वाली चीज़ आ गई, एक्स का डिवाइड बाई 2 आ गया, टेन इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ये 1/2 यहाँ पे बाइड आ जाएगा, बाकी बच जाएगा हमारे पास एक्स के डिवाइड बाई 1+x2। तो ये भी कौन सी फ्रैक्शन बढ़ गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बढ़ गई। इसको प्रॉपर बनाने के लिए क्या करेंगे, अब डिवाइड तो हम नहीं करते, हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस वन ऐड कर दूँ और प्लस वन माइनस कर दूँ, माइनस वन कर दूँ, ये आपस में कैसे होगा, तो यही चीज़ बन जाएगी ना, तो ये कर सकते हैं ना, कोई चीज़ हमने ऐड भी की और नेगेटिव भी कर देते हैं, तो ये करेंगे तो ये इतनी वाली चीज़ जो होगी, ये वाली चीज़ को अलग कर लेंगे और ये वाली चीज़ को अलग कर लेंगे। तो अगले स्टेप में देखें ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ज़रा, तो हमने किया ये वाली चीज़ आ गई वैसे ही, अब ये -1/2 वैसे आ गया, अब ये देखिए एक हमने 1 ऐड किया और 1 माइनस कर दिया, ठीक है। तो अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इतनी वाली चीज़ को अलग कर लेना है और ये वाली चीज़ को अलग कर लेना है, इसके नीचे ये वाली चीज़ अलग डिवाइड में हो जाएगी, उसमें अलग हो जाएगी। अब देखें ये हमने ऐसे किया, आ गया -1/2, ये वैसे आ गया, ठीक है, तो ये वाला आ गया। अब ये देखें ये माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 आ गया, तो ये यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब इसको सोल्व करते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये वैसे आ गया, ये भी वैसे आ गया, 1/2 आ गया। अब इसको सोल्व करने के 1 आ गया, dx आ गया, तो क्योंकि इसको कैंसिल आउट किया तो बाकी 1 बचा है, dx आ गया। अब ये देखो +1/2 वैसे आ गया, तो ये क्या, ये हमारे पास कोई फार्मूला बन रहा है, tan इनवर्स का फार्मूला बन रहा है, ठीक है, तो हम tan इनवर्स का फार्मूला लगा देंगे। तो ये देखें इसको ये किया, ये आ गया, इसकी इंटीग्रेशन ली तो ये x आ गया साथ, 1 की इंटीग्रेशन x होती है तो x आ गई, ठीक है। अब ये देखें 1/2 वैसे शुरू में आ गया, ये सारा फार्मूला किसके इक्वल बनता है, ये जब ये हम करते हैं तो ये वाले इसके tan इनवर्स x के बराबर होता है, तो ये हमने लिख दिया प्लस सी आ गया, वो जो छुट्टी के साथ लगा है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भी tan आ रहा है, यहाँ पे भी tan आ रहा है, दोनों में से tan इनवर्स यहाँ पे डिवाइड में 2 है, यहाँ पे डिवाइड में 1/2, tan इनवर्स कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ ये तो सारा कॉमन आ गया, बाकी 1 बच जाएगा, -1/2 ये x आ गया प्लस सी आ गया, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, देखिए हमने स्पीड से करे जा रहे हैं। इसके बाद tan इनवर्स x, ठीक है, पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के लिए किया, फिर हमने x के लिए, x बार 1 के लिए किया, अब इसके लिए करें क्यूब के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, वैसे ही करेंगे पहले की तरह ही, बस एक दो स्टेप डिफरेंस होंगे, बाकी सारे वही होंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। तो देखिए इसको हमने फर्स्ट फंक्शन रखना है, ठीक है, ये कौन सा फंक्शन होगा, सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से नंबरिंग भी कर सकते हैं, अगर नहीं करनी तो फिर भी चल जाएगा, आपने डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लिखना है तो फार्मूला लगा देना है। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, ये वाला फर्स्ट फंक्शन क्योंकि आई लेट फार्मूला है, आपने याद रखना है ये वर्ड, इसके तहत आपने सारे लेने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ गया, सेकंड फंक्शन की क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ गया, इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे एक्स क्यूब की क्या आ जाएगी, एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, क्योंकि पावर में एक ऐड करेंगे उससे डिवाइड करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, और माइनस ये वैसे ही आ गया ये वाला माइनस, ठीक है, ये सारा वैसे चल जाएगा। इसकी tan इनवर्स की अब डेरिवेटिव लेना चाहिए, इसका डेरिवेटिव इसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन इसके बराबर, डेरिवेटिव इसके बराबर होता है, उल्ट होते हैं ना, आपको पता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में इनवर्स प्रोसेस है। उसके बाद इसकी जब लेंगे इंटीग्रेशन तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारी वैसी चीज़ चलती जाएगी, तो ये वाली चीज़ आ गई, ये 1/4 हम बाहर निकाल लेंगे, 4 डिवाइड हो जाएगा, ये बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, एक्स की पावर 4 बचेगी, डिवाइड में 1+ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ऊपर पावर 4 है, नीचे क्या है,
टू है, तो ये कौन सी बनगी? इम्प्रॉपर फॉर्म बनगी, इम्प्रॉपर फॉर्म बन जाएगी। तो इसको क्या बनाना है? सबसे पहले प्रॉपर बनाना है। प्रॉपर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइडर का रूल लगाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, हम डिवाइडर का रूल लगाते हैं, यहाँ पे देखें जरा। तो देखो हमने ये डिवाइडर का रूल लगाया, नाउ इसको बाय रखा, इसको अंदर रखा, तो इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर फोर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल होगा, बाकी का बच गया हमारे पास ये माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि माइनस का है ना, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, प्लस वन माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस वन से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 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 वन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साइन चेंज, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी प्लस वन बच जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, वो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन ये लिखेंगे, और ये लिखेंगे प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो देखें ये वाला फंक्शन वैसे ही आ गया, अब इसकी जगह पर हमने ये वाली चीज़ पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पे ये वाली चीज़ बनी थी ना हमारे पास, यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद ये चीज़ बनी थी, इसको जगह पे हमने ये वाली चीज़ लिख दी है, ठीक है। अब ये सारे क्या हो रहे हैं आपस में, सम और डिफरेंस हो रहे हैं, तो सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन आ जाएगी, ये सब पहला वाला वैसे ही आ जाएगा, और वन बाई फोर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन बाई फोर क्योंकि ये सबके साथ है ना, सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें जरा, वन बाई फोर ये वाला फंक्शन आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन बाई फोर आ गया, और ये वन की इंटीग्रेशन, उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये वन बाई फोर आ गया, और इसकी इंटीग्रेशन अलग आ गई। अब देखें ये वाली चीज़ तो वैसे चलती जाएगी, ये वन बाई फोर है, एक्स स्क्वायर है, तो उसकी क्या होगी, एक्स क्यूब डिवाइडेड थ्री आ जाएगा, ये वन बाई फोर आ गया, ये इसकी क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, उसके बाद ये माइनस वन बाई फोर ऐसे आ गया, इसकी क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन, ये माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये टेन इनवर्स वाला फार्मूला देख ले कितना यूज़ हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, टेन इनवर्स वाला फार्मूला, साइन इनवर्स वाला फार्मूला। तो आपने अच्छी तरीके से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लाजमी याद कर लेनी है, देखें कितने इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर जगह पर यूज़ हो रहे हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ आ गई। अब देखें यहाँ पर भी टेन इनवर्स आ रहा है, और यहाँ पर भी टेन इनवर्स आ रहा है, यहाँ पर डिवाइड फोर है, यहाँ पर डिवाइड फोर है, तो वन डिवाइडेड फोर ये कॉमन ले लिया, टेन इनवर्स कॉमन ले लिया, बाकी बच गया एक्स की पावर फोर बच गई, यहाँ से वन बच जाएगा, ये माइनस का इसलिए माइनस वन आ गया। अब ये वन यहाँ से देखें, इसमें से भी वन बाई फोर कॉमन ले लेंगे, वन बाई फोर सभी से कॉमन लिया, समय से वन बाई फोर कॉमन लिया पहले, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो इन दोनों में से भी हमने कॉमन ले लिया टेन इनवर्स, ठीक है, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो ये फाइनल आप खुद इसको सोल्व करके ये इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सोल्व कर दिया हमने, उसके बाद इसका पार्ट नंबर 12 आ जाएगा। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर जो हमने वन सारा कंप्लीट डिस्कस करना है, तो मैं सारा जल्दी जल्दी करवाऊंगा आपको। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो आपको पता है ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन लेते हैं हम, ठीक है, और इसको क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड की इंटीग्रेशन, उसके बाद इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसको एक्स क्यूब वैसे ही आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एक्स आ जाएगी। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे तो साइन एक्स आ जाएगी। तो देखें ये थ्री बाहर आ जाएगा, बाकी हमारे पास फिर ये एक फंक्शन बच जाएगा, ये फंक्शन फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अगेन करेंगे। तो देखें जरा इस टाइम में, तो देखें हमारे पास ये एक्स क्यूब साइन एक्स वैसे आ गया, ये माइनस थ्री बाहर निकाल लिया, बाकी ये फिर दो फंक्शन बन गए, फिर प्रोडक्ट हो रहा है या इंटीग्रेशन भी है। तो क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो फिर वैसे ये वैसे ही आ जाएगा, माइनस थ्री वैसे आ गया। अब ये फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड इंटीग्रेशन, उसके बाद इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड इंटीग्रेशन डी एक्स आ गया, ठीक है। तो देखें ये फिर वैसे आ गया, ये माइनस वैसे चलता जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो आ जाएगा माइनस कोस एक्स आ जाएगी, उसके बाद ये माइनस वैसे आ गया, ये इसका जब डेरिवेटिव लेंगे टू एक्स आ गया, इसको जब इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स आ गई। उसके बाद देखें ये एक्स क्यूब साइन एक्स वैसे आ गया, ये माइनस माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का हो गया, ये अब थ्री अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये थ्री एक्स स्क्वायर कोस एक्स आ गया। अब ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, नहीं ये माइनस और ये माइनस आपस में कैसे लोग क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब देखें ये टू इधर कॉमन, यहाँ से टू बाइट आ जाएगा, टू और थ्री प्लस माइनस थ्री और प्लस टू क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, ये एक्स बच जाएगा और कोज एक्स बच जाएगा, ये वाली चीज़ बच गई, ठीक है, आपको सही समझ आ गई होगी। यहाँ से हमने क्या किया है, ये माइनस थ्री था और अंदर से हमारे पास ये माइनस टू बाइट कॉमन निकाला, क्या होगा, माइनस सिक्स हो गया, ठीक है। तो अगले टाइम में देखें जरा, फिर हमारे पास दो फंक्शन बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मजीद एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, ये वाली चीज़ सारी को दोबारा लिख लिया। अब हमारे पास ये दो फंक्शन फिर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इंटीग्रेशन है, तो फिर इसको क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब तीसरी दफ़ा हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, तो मैंने कहा जिस जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक आपने लगाते जाना है। देखें ये वाला वैसे आ जाएगा, ये भी वैसे आ जाएगा, ये माइनस सिक्स ये बाइट आ जाएगा। अब इस पर लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड इंटीग्रेशन, उसके बाद इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। ये पहले वाले दो वैसे चलते जाएंगे, ये माइनस सिक्स वैसे आ गया। अब इसकी कोस की इंटीग्रेशन साइन एक्स आ जाएगी, ये इसका डेरिवेटिव वन आ गया, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन एक्स आ जाएगी, डी एक्स आ जाएगा। अब ये देखें ये वैसे आ गया सारा, ये वाला वैसे, अब माइनस सिक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस सिक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा ठीक है आ जाएगा, ये वाली चीज़ ऐसे आ जाएगी, माइनस सिक्स साथ आ जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये सिक्स आ गया साथ। अब ये वाली चीज़ वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन में। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस
डेरिवेटिव वन आ जाएगा, वन क्या होगा एक्स का डेरिवेटिव। तो ये वाली सारी चीज़ वैसे ही, ये भी वैसे ही, ये भी वैसे ही, इसको ये भी सिक्स ही वैसे ही आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये चीज़ आ गई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस सिक्स आ जाएगा। तो इसको लिख लेंगे पहले, अब क्या करेंगे यहाँ पे देखें, ये भी साइन का फंक्शन, ये साइन का फंक्शन, इन दोनों में साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बाकी का बचेगा एक्स क्यूब बच जाएगा और ये माइनस सिक्स बच जाएगा। इन दोनों में कोस है, ठीक है, यहाँ दोनों में से कोस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स टू थ्री एक्स स्क्वायर बच जाएगा और माइनस सिक्स बच जाएगा, प्लस सी वैसे आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर है। तो देखें हमने बिल्कुल आसानी से सोल्व करते जा रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आपने भी परेशान नहीं होना और जल्दी जल्दी आपने लेक्चर देखने हैं, उसके बाद आपने खुद सोल्व करके देखना है। उसके बाद इसका देखें पार्ट नंबर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, पार्ट नंबर इसका हमारे पास 13 आ जाएगा। 13 के अंदर देखें क्या है, इसके 21 पार्ट्स हैं, तो मैंने सारे करवाने हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, मेरे साथ करने हैं आपने, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स, जहाँ पे एक फंक्शन दिया तो दूसरा फंक्शन हम वन ले लेते हैं, तो क्या लगाएंगे, ये इनवर्स वाला फंक्शन, तो ये फर्स्ट ही होगा, और ये कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन है सेटिंग इंटीग्रेशन, उसके बाद इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, ये वैसे ही आ गया, इसकी इंटीग्रेशन वन आ जाएगी, इसको जब सोल्व करेंगे डेरिवेटिव ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसकी वन आ गई, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ये सारा वैसे आ जाएगा, ये यहाँ पे देखें ज़रा, इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, ठीक है, डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, तो यहाँ पे क्या है एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस टू एक्स बनेगा ना, डेरिवेटिव माइनस टू एक्स, ऊपर एक्स है लेकिन माइनस टू नहीं है, तो क्या करेंगे माइनस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा ये वाली चीज़ वैसे माइनस वैसे आ गया, माइनस टू से डिवाइड कर दिया, माइनस टू से मल्टीप्लाई करके ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है। अगर इस टाइम में क्या करेंगे, ये वैसे आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ गया। अब आगे देखेंगे इंटीग्रेशन आ गई, अब ये नीचे इसकी पावर क्या है, प्लस की ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की पावर हो जाएगी, तो ये माइनस टू एक्स। अब ये देखें ये एक फंक्शन है, इसके साथ डेरिवेटिव पड़ा, तो क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड उससे डिवाइड कर देंगे। तो देखें ज़रा इसको हम क्या करते हैं, ये वाली चीज़, ये सारी चीज़ वैसे चलती जाएगी, ये देखें वैसे आ रही है। अब ये वन बाई टू वैसे आ गया, इसको क्या पावर में एक ऐड उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद सोल्व करते हैं इसे मजीद, तो ये देखें वन बाई टू से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये वाली चीज़ बच गई, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये वाला फंक्शन वैसे ही इसका क्या गया, स्क्वायर रूट में आ गया, बाकी बच गया ये सी आ गया, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आपने सी लाजमी लगाना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर ये ना आपने ना लगाया तो आपका एक नंबर कट कर सकता है, ये ना आपको दो में से एक नंबर मिले, तो आपने ये केयरफुल रहना यहाँ पे। अब इसका पार्ट नंबर 14 करते हैं जल्दी जल्दी से, देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 14 आ जाएगा इसके बाद। तो ये पार्ट नंबर 14 कहता है हमारे पास साइन है और हमारे पास एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स है, तो क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड का इंटीग्रेशन, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फार्मूला लगा रहे हैं हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करके लिख के डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, इसके अंदर फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया, इसके जो फार्मूला लगाएंगे कि इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स के डेरिवेटिव आ गई, उसके बाद इसको सोल्व करने के आ जाएगा, ये इसके इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है, ये लगा देंगे। अभी इसको इसको सोल्व करने के आ जाएगा, एक्स के डेरिवेटिव आ गया। अब फिर यहाँ पे देखें सोल्व करते हैं इसको, ये आ गई चीज़ वैसे, ये वैसे आ गई, ठीक है, ये वाला अब वैसे चलता जाएगा, ठीक है, सारा ये वैसे चलाएगा। अब इसको सोल्व करना है बस इसने इसी को, ठीक है। ये वन बाई टू आ गया, ये क्या ऊपर एक्स केयर, ये टू इधर बाइट आ गया ना, ये एक्स केयर आ गया और नीचे ये चीज़। अब देखें हमने क्या करना है, अब ये प्रॉपर फॉर्म बन गई, इसे प्रॉपर बनानी है आपको पता है, जब ऊपर भी एक्स केयर नीचे भी एक्स केयर हम क्या करते होते हैं, यहाँ पे ये वाली चीज़ बना रहे होते हैं। तो ये वाली चीज़ क्या इससे बनेगी, अगर प्लस वन ऐड करें और माइनस वन कर दें, प्लस वन की और माइनस वन कर दिया, ठीक है। तो ये जो माइनस है ना, इस टाइम में एक आपने चीज़ किया, ये जो माइनस है ये अंदर चला गया, बाइट क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा और ये माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस इधर आ गया, प्लस आ गया। अब यहाँ पे क्या किया, प्लस वन ऐड किया, प्लस वन माइनस कर दिया, ठीक, प्लस वन किया और माइनस वन किया, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ अलग कर लेंगे और ये वाले को अलग कर देंगे, ठीक है। अब ये देखें ये वाली चीज़ वैसी आ गई, ठीक है, ये शुरू में ले आया इसको, ठीक है, वैसे आ गई। अब यहाँ पे ये वन बाई टू आ गया, ये वाली चीज़ आ गई, ये वाली और ये वाली। अब बाकी क्या बचेगी, माइनस वन और ये वाली बनेगी, प्लस माइनस माइनस वन बाई टू वैसे आ गया, वन आ गया, उसके बाद क्या आ गया, ये वाला नीचे वाला डिवाइड वाला आ गया, इस तरह कर देते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने बताया बार 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 कि क्यों इस तरह करते हैं। ये वाली चीज़ वैसे आ गई, अभी देखें ये नीचे हाफ है, ऊपर कंप्लीट है, तो ऊपर क्या रह जाएगा, हाफ रह जाएगा बाकी कट ऑफ होने के बाद, ठीक है। ऊपर पावर वन है और नीचे कहाँ से माइनस वन पॉइंट आ जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, पॉइंट फाइव बच जाएगा, इसको कहते हैं वन बाई टू, तो ये वाली ऊपर बच गया, ठीक है। अब देखें ये माइनस आ गया, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये फार्मूला दोबारा बन जाएगा, ठीक है। अब इसको ये वाली चीज़ वैसे आ गई, अब इसको उठा के सारी इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा थोड़ी सी इसकी जगह चेंज की है। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हम डायरेक्ट एक फार्मूला लगाएंगे जो हमने कहाँ पढ़ा है, ये वाला हमने क्वेश्चन कहाँ पे किया, हमने किया हुआ ना इंटीग्रेशन, ये किया हुआ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये हमने डी एक्स, तो ये हमने कहाँ किया है, हमने 3.8 एक्सरसाइज की थी और 3.3 एक्सरसाइज की थी, तो उसका क्वेश्चन नंबर 8 था और उसका पार्ट नंबर जो बी हमने किया था वहाँ पर हमने ये वाला एक प्रूफ किया था, ये वाला देखे ज़रा, ये वाला प्रूफ हमने किया हुआ ना वहाँ पर, ये वाला, तो यही बस फार्मूला लगाना, उसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखे ज़रा हमारे पास एक जगह पे यहाँ पे क्या, वहाँ पे ए स्केयर था, यहाँ पे क्या है वन, वन का स्केयर है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर देना है, वन पुट कर देना है। तो सोल्व करते हैं इसको,
पहले वाली जो चीज़ें फंक्शन वैसे ही आ जाएंगे, इसको सोल्व करना, ये 1/2 जो ये वाला 1/2, ये वाला 1/2 वैसे ही आ जाएगा साथ, और बाकी इसको सोल्व करते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इस फार्मूला के तहत ये वाली चीज़, तो ये ए स्केयर क्या है, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, 1/2 आ गया, और साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए है, तो ए यहाँ पे क्या है 1, जो 1 एक्स से डिवाइड होगा तो एक्स ही आ जाएगा। उसके बाद इसको जब सोल्व करेंगे तो एक्स डिवाइडेड बाई 2 आ गया, तो यहाँ पे ए है, ए स्केयर है, तो यहाँ इसका मतलब 1 का स्केयर आ गया, तो ये वाली चीज़ लिख दी। उसके बाद सोल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ वैसे आ गई, उसके बाद ये वाली चीज़ वैसे आ गई, ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1/4 हो गया, साइन इनवर्स एक्स है, इसका मल्टीप्लाई होगा, एक्स डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, ये चीज़ आ गई, प्लस सी आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम रीअरेंज करके लिख देंगे बस, बाकी और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे, ये हाफ है, ये है -1/2, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, +1/4, ठीक है, दोनों साइन के फंक्शन ही है ना, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास 4 आ गया, ऊपर क्या बच जाएगा -2, और ये क्या आ जाएगा +1, सोल्व किया -1/4 आ गया, तो हम इसको सोल्व करके क्या लिख रहे हैं, -1/4 लिख रहे हैं, इन दोनों को सोल्व करके, इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वाला इसका -1/4 साइन एक्स आ गया, और ये वाला फंक्शन वैसे आ गया, तो इसको हमने फाइनली सोल्व कर दिया। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 15 है, पार्ट नंबर 15 को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखें हमारे पास ये दो फंक्शन आ रहे हैं, ई की पावर एक्स है, और ये 3 फंक्शन बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको आई की पावर लेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या बन गया, 2 sin x cos x, की कौन सा फार्मूला होता है, sin 2x का फार्मूला बना देंगे, ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा। इसको आई की पावर लेट कर दिया, आखिर में हमारे पास ये फंक्शन जब दोबारा बनेगा ना, तो वहाँ पर इसकी आई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखें जरा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे, तो क्या करेंगे, ये इसको 1/2 इग्नोर कर देना है, बाकी इसको सोल्व करना है, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, उसके बाद सेकंड का फंक्शन वैसे ही, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन। अगले स्टेप में देखें जरा, हम करते हैं, तो देखें हमने किया है, 1/2 आ गया, ई की पावर एक्स आ गई, -cos। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे यार देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमने बाद में रखना था। जब भी आपके पास ना इस तरह का कोई क्वेश्चन आए जिसके अंदर ई की पावर एक्स हो, उसके साथ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, जो आपने ना रूल चेंज कर देना है, आपने उल्ट रूल कर देना है, आपने एक्सपोनेंशियल पहले रख देना और टी वाला ट्रिग्नोमेट्रिक वाला बाद में रख देना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रूल आप चेंज कर देंगे, क्योंकि ये इसको सोल्व करना फिर मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो उस तरीके से भी जाएगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस तरीके से आसानी से सोल्व हो जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया। तो आपने ये याद रखना, जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए, तो एक्सपोनेंशियल को पहले रख सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक को बाद में रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, यहाँ पे 1/2 वैसे आ गया, अब आई को सोल्व कर देते, फर्स्ट फंक्शन वैसे की इंटीग्रेशन, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स डेरिवेटिव यही होता है, और सेकंड इंटीग्रेशन मैंने ले लिया और डी एक्स आ गया, क्योंकि हमारे पास क्या था, sin 2x था ना, sin 2x, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, -cos 2x, और हमारे पास sin x आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1, ये 2 से मल्टीप्लाई करके 1/4 बन गया, ये माइनस आ जाएगा बाइट, ई पावर एक्स cos 2x आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा, ये वाला 1/2 बाइट आ गया, यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं मजीद, तो आगे देखें जरा, 1/4 आ गया, और ये हमारे पास ई की पावर एक्स आ गई, cos 2x आ गया, ठीक है। अब फिर ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर क्या कहेंगे, इंटीग्रेटिंग पार्ट्स अगेन लगा लेंगे, ठीक है, उसको सोल्व करते हैं। तो ये देखिए, सारा आई के बराबर चलता जा रहा है, ये वाली चीज़ सारी अब वैसे चलेगी, ठीक है। इसको आपने, मैं नहीं बताऊंगा, बस इसको सोल्व करूंगा, ठीक है। ये 1/4 आ गया, 1/4 को ये हमने लिख दिया वैसे ही। उसके बाद देखें, ई की पावर फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड की इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड की इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। उसके बाद देखें जरा, हमने क्या करना है, तो देखें उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आ गया 1/4 वैसे ही, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 1/8 आ गया, और ये वाली चीज़ वैसे आ गई। अब फिर इंटीग्रेशन आ रही है, देखें ये वाला फंक्शन किसके बराबर था, आई के बराबर था, तो आई के बराबर आ जाएगा, ये किसके 2i के बराबर था, ये वाला फंक्शन था, तो 1/2 साइड पे था, तो 2 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2i के बराबर आ जाएगा, जो हमने पहले लेट किया वहाँ पे, देखें जरा जाके, ठीक है। यहाँ से आप चेकआउट करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से देखें जरा, ये यहाँ पे देखें ना, इसके बराबर है ना, तो देखें ये 2 यहाँ डिवाइड होते जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2i जो किसके बराबर आ जाएगा, 2i इसके बराबर आ जाएगा, ये वाली चीज़ हमारे पास वहाँ पर बन रही है, तो देखें यहाँ पे हमने बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये 2i इसकी जगह पुट कर दिया, ये 2 × 2 = 4, ये 1/4 है, i/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब ये इसको उठा के साइड पर ले जाएंगे, ये इसको सोल्व करेंगे तो 5/4 आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को 5/4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इधर जाकर उल्ट जाएगा, 4/5 से सारी को डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में देखें, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वाला इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ आई, यहाँ पे देखें, ये वाला 1/5 और ई की पावर एक्स दोनों में आ रहा है, ये 1 है, 1 ई की पावर एक्स है, ठीक है। तो ये देखें, 1/5 इसमें से कॉमन ले लिया और ई की पावर एक्स ले लिया, बाकी का बच गया -cos x बच गया यहाँ पे,
और यहाँ से 1/5 कॉमन लिया, बाकी का बच गया 1/2 बच गया, एक बार x कॉमन आ गया, बाकी बच गया साइन 2x आ गया और 2x आ गया। ये 4/5 इसको हम एक नया कॉन्स्टेंट का नाम दे देंगे, ये कॉन्स्टेंट ना कॉन्स्टेंट ये सी है, इसको कोई नाम, ये अपनी तरफ से हमें लैड कर लिया करना है कि जहाँ पे ये वाली चीज़ हमारे पास C1 और ये वाली बना करेगी उसको हमने सी के ऊपर रख दिया करना है। ठीक है, तो इसको मजीद अब कर लेते हैं। ठीक है, 1/5 एक बार एक्स आ गई, अभी देखें ये कोस, इसकी जगह पे हम ये वाली चीज़ पुट कर सकते हैं, हमारे पास ये कोस 2x वाला फार्मूला है ना, कोस 2x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कोस एक्स है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे से 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हाँ तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास फाइनल फॉर्म बन जाएगी इसकी, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, बाकी तो ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाया करेगा। तो उसके बाद अब इसका पार्ट नंबर करते हैं 16। ठीक है, पार्ट नंबर 16 के अंदर हमारे पास ये एक फंक्शन है और ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे, साइन 2x बना देंगे। अब हमारे पास ये कौन सा है, अलजेब्राइक है, और ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन कह देंगे, इसको सेकंड फंक्शन कह देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड की इंटीग्रेशन, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन, इसको सोल्व करेंगे 1/2 वैसे आ गया, ये x आ गया, इसकी इंटीग्रेशन ये आ जाएगी, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ गया इसकी 1 डेरिवेटिव आ गया, इसको ये आ गया। अब ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाए करेंगे, 1/2 ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 हो गया, तो ये माइनस आ गया, एक्स कोज 2x आ गया। उसके बाद ये तो खत्म हो गया, प्लस का 1/2 इससे जो मल्टीप्लाई होती है 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2/4 हो जाएगा, और ये वाली चीज़ आएगी। अब इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन आपको पता क्या होती है, साइन 2x/2 हो जाएगी। तो इसको डायरेक्ट अगले स्टेप में करेंगे, तो देखें ज़रा, तो ये 1/4 आ गया, एक्स कोज एक्स आ गया। उसके बाद देखें इसको सोल्व किया तो ये वाली चीज़ आ गई, अभी 1/8 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से ये कोज 2x की, अभी हमने क्या किया, इसको पहले ले आएंगे, इसको बाद में ले जाएंगे, ये माइनस करके इसको बाद में ले जाएंगे, इसको उठा के यहाँ पे लेंगे, 1/8 आ गया, यहाँ पे कोस 2 साइन 2x है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, डबल एंगल वाला फार्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/4 आ गया, ये इससे 1 ये 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/4 यहाँ पे 1/4 दोनों 1/4 आ गया, यहाँ अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स कोस एक्स बच जाएगा, माइनस ये 1/4 बाहर आ गया, और बाकी एक्स कोस 2x प्लस सी इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 17 करते हैं, तो उसके अंदर भी सिंपल है, देखें ये हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स की हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पड़ी, तो जब भी कोस स्क्वायर या साइन स्क्वायर आएगा उसको ये कोस 2x वाला फार्मूला नहीं होता, इसको सोल्व करके ना उसकी वैल्यू निकाल लिया करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो उसको यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करने के बाद देखें ये 1/2 बाहर आ जाएगा, एक्स बच जाएगा, ये वाली चीज़ बच जाएगी। अब एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स ये वाली चीज़ बन जाएगी, ये एक अलग फंक्शन बन जाएगा, एक अलग फंक्शन बन जाएगा, ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे एक फंक्शन है, तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स के 2 आ जाएगी। इसको आप सोल्व करेंगे, इसमें ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे अगले स्टेप में, देखा ज़रा, तो हम यहाँ करेंगे, तो एक्स के 2 ये आ गया, तो ये देखें फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड की इंटीग्रेशन, उसके बाद माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड की इंटीग्रेशन और dx आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स के 2/4 बन जाएगा, प्लस 1/2 वैसे आ गया, ये आ गया, इसकी जो इंटीग्रेशन लेंगे क्या आ जाएगा, साइन 2x/2 आ जाएगा, माइनस अब इसको 1 का एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, तो वो साथ ना भी लिखें फर्क नहीं पड़ता, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे क्या बनेंगे, साइन 2x/2 आ गया, dx आ गया। उसके बाद एक्स के 2/4 वैसे आ गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई आएगा 1/4 एक्स साइन 2x आ गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस ये 1/2 इससे जो मल्टीप्लाई 1/4 हो गया, उसके बाद साइन 2x dx आ गया, ये साइन आ गया। अब इसकी फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो ये वाली चीज़ वैसे आ गई, ये भी वैसे आ गई, उसके बाद ये सोल्व करना है, -1/4 वैसे आ गया, इसकी जब इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस आ जाएगा, माइनस कोस एंगल 2x आ गया, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, प्लस सी होगा। ठीक है, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ वैसे आ गई, तो 1/4 ये वाली चीज़ आएगी, ये माइनस वाली हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको वैसे लिख लेंगे। अब 1/4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 में से 1/4 कॉमन ले लेंगे, बाकी बच गया एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पे एक्स साइन 2x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, 1/2 ये वाला, ठीक है, और ये साइन 2x कोस 2x प्लस सी आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा। इसके बाद 18 वाला पार्ट करते हैं, देखिए मैं कितनी स्पीड से बोल रहा हूँ, ताकि आपको 2x पे भी ना देखना पड़े, इतनी स्पीड से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपने अच्छी तरीके से आप कर लेना है, मुझे ना कहना कि आपने सही नहीं करवाया, मैं बिल्कुल अपनी तरफ से सही करवा रहा हूँ। अभी देखें ये दो फंक्शन है हमारे पास, अब मैंने कहा कोस या साइन अगर डायरेक्ट स्केयर में आएगा तो उसको इसमें कन्वर्ट करना था, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपने कोस 2x वाला फार्मूला अच्छी तरीके से याद करना, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यार, ये ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं ना, वो सारे देखो सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो अपने फार्मूले फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री सारे यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छे तरीके से किए होते तो आपको आ जाते होते, आप खुद करें। ठीक है, मैंने तो नहीं करवाने, मैं तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दें, मैंने बता दिया कि ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, इसको सोल्व करके ये वाली चीज़ बनाएं और इसे यहाँ पे पुट कर दें। जी देखें एक्स आ गया वैसे ही, और ये देखें इसको सोल्व करने के तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई,
अब यहाँ से देखा 1/2 डिवाइड वाला बाइट आ गया, ये एक्स बच जाएगा और ये वाली चीज़ बच जाएगी। अब फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो फिर अब क्या करना है, इसको अलग इसकी इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखा ज़रा, देखिए इसकी अलग इंटीग्रेशन लीजिए, इसकी अलग, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास पावर में एक जगह पावर से डिवाइड, ठीक है, ये एक सर मैंने इजाफी कर दिया। बाकी ये देखें 1/2 ये वाला आ गया, ठीक है, ये माइनस वाइड वाला वैसे पड़ा हुआ है, ये 1/2 आ गया। उसके बाद ये देखें फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड इंटीग्रेशन, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड इंटीग्रेशन डी एक्स आ गया। अब देखें ये 1/2 ये वाली चीज़ आ गई, ये माइनस, ये जब इससे मल्टीप्लाई कर 1/4 हो जाएगी, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/4 एक्स साइन 2x आ गया। और ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 1/2 और ये 1/4 हो गया। और यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन साइन 2x dx, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, एक्स के 2/4 आ जाएगा और ये 1/2 ये वाली फंक्शन सारा वैसे ही आ गया। अब ये 1/4 वैसे आ गया, अब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ये वाली चीज़ आ जाएगी, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 उससे डिवाइड कर देंगे, प्लस सी आ गया जो इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट है। ये सी देखें लाजमी, मैं हर स्टेप बता रहा हूँ कि सी लाजमी आपने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको मुझे सोल्व करेंगे, यहाँ पर 1/4 1/4 1/4, तो ये सारा कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर बच गया, ये माइनस, ये साइन 2x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 1/2 वाला ये वाला आ जाएगा, कोस 2x आ गया। इसको सोल्व किया, अब इसका 19 वाला पार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है। तो ये आ गया। अब क्या करना है, 1 अपनी तरफ से ले लेना, क्योंकि एक फंक्शन आपने दो फंक्शन बनाने हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के लिए। तो उसके बाद देखें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इसका एक्स आ गया, ये वाला वैसे ही आ गया, ठीक है, ये माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या, पावर शुरू में, पावर में से कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव, और ये 1 की इंटीग्रेशन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वाला चीज़ वैसे आ गई, माइनस आ गया, और ये वाला 2 आ गया, और ये देखें नेचुरल लॉग, और ये 1 आ गया। अब फिर ये देखें इंटीग्रेशन में, इसलिए हम दो फंक्शन बना लेंगे इसको, नेचुरल लॉग एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इसलिए इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स सोल्व करेंगे, अब इसको सोल्व करना, ये वाला वैसे चलता जाएगा, बाकी इसको सोल्व करते हैं, माइनस 2 वैसे चल जाएगा। ये देखें ज़रा, हमने ये वाला पहले वाला तो वैसे चल रहा है, माइनस 2 वैसे, फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, सेकंड इंटीग्रेशन 1 था, 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास देखें ये सारा कुछ वैसे ही, ये माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2 ये x आ जाएगा, और ये नेचुरल होगा x, ये वाली चीज़ बन गई। अब ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 2 आ गया। अब यहाँ से 1 बचेगा, 1 की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, तो ये देखें 1 की इंटीग्रेशन x, सारा कुछ वैसे आ गया। अब इन दोनों में देखें, इसमें नेचुरल लॉग x आ रहा है, इसमें x नेचुरल लॉग x, इसमें x नेचुरल लॉग x आ रहा है, तो ये कॉमन लेंगे तो बाकी का यहाँ बचेगा, एक बाइट आगे बाकी एक बच जाएगा, बाकी यहाँ पे x और नेचुरल लॉग x बाइट आ गया, ठीक है। बाकी क्या बचेगा, माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 2x आ गया, प्लस c आ गया, तो इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 20 करते हैं तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये नेचुरल लॉग x है, तो देखें ज़रा इंटीग्रेटिंग में पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड इंटीग्रेशन, उसके बाद डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन और सेकंड इंटीग्रेशन लगा ले ली, ठीक है। तो देखें नेचुरल ये वैसे आ गया, इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे क्या आता है, ये tan x आ जाता है, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1/tan x वैसे आ गया, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाली चीज़ आई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास ये चीज़, ये वाली tan x शुरू में ले लिया, ये वाली चीज़ आ गई, अब ये माइनस आ गया। अब इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर dx, सीकेंड की इंटीग्रेशन होती है, tan x होती है, तो हमने ये लिख ली और इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट आएगा, लास्ट पार्ट मैं करवाता हूँ आपको, उसके बाद हम यहाँ पे इसको खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, बाकी अब नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। तो ये वाला है, हमारे पास एक फंक्शन आ गया, तो देखें ज़रा इसको मल्टीप्लाई 2 से माइनस से मल्टीप्लाई, ये क्योंकि ये वाला इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2x होगा, ठीक है, ऊपर माइनस 2x होगा, ऊपर क्या पड़ेगा हमारे पास x पड़ा है, तो क्या करें, मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस 2 से करेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, माइनस 2 से ये शुरू में आ गया, ये साइन इनवर्स x ये आ गया, इसको जो बोले ले गई इसकी पावर माइनस की होगी, इसका सारा डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। अब क्या करना है, ये एक फंक्शन है, ये इनवर्स वाला फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन ये माइनस 1/2 वैसे ही आ गया शुरू में, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड इंटीग्रेशन, इसका सारा डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड इंटीग्रेशन ले ली, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे मजीद, तो ये वाली चीज़ वैसे आ गई, पावर में ये सारा डेरिवेटिव पड़ा है, पावर में एक जमा पावर से डिवाइड, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये बन जाएगा, इसको सोल्व करने की ये चीज़ आ गई। अब देखें ये वाली चीज़ और ये चीज़ आपस में कैंसिल हो जाएगी, अब इसको सोल्व किया तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अभी देखें ये 1/2 और ये 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई किया इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ये आ गया, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये वाली चीज़ बच जाएगी और ये वाली चीज़ बच जाएगी स्केयर स्केयर रूट वाली, ठीक है। उसके बाद देखें जब ये माइनस 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखें माइनस 1/2 ये वाला आ गया, ठीक है। और ये कौन सा, ये 2/1 ये वाला, ठीक है, उल्टा के लिख देंगे। उसके बाद क्या बचेगा, ये कैंसिल हो गए, बाकी 1 dx बच जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये वाली चीज़ सारी वैसे आ गई, ठीक है, ये वाली सारी वैसे आ गई, ये वाली वैसे आ गई।
अब इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये एक्स आ जाएगा, ये प्लस सी जो इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट है। इसको सब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर, ये इसको शुरू में ले आएंगे, ये वाला सारा माइनस का इसलिए इसको बाद में लिख देंगे, तो इसका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद भी आएगा और समझ भी आया होगा। तो मैंने आपके शेयर सुनाया था ना, इतना इश्क हर होते हो क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए इतने ज़्यादा पार्ट हैं, एक क्वेश्चन है उसकी अपनी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस बच्चों से करवा रहे हैं, और पेपर में पता नहीं इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है या कोई एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, बस इतनी प्रैक्टिस करवाई जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से आप खुद कर लेना है। आज के लेक्चर में बस इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा और पसंद भी आएगा कि मैं कितनी स्पीड से बोला हूँ, मैंने कितनी स्पीड से सारा आपको समझाया है। तो देखते हैं मेरी इसके ऊपर कितनी ग्रिप है। तो 99 मार्क्स बेटा ऐसे नहीं आते, पढ़ने से आते हैं। तो मैंने पढ़ा है, तब भी अब भी मैं जब लिखता हूँ तो मैं पहले इसको समझता हूँ, फिर लिखता हूँ, लिखने के बाद फिर मैं फिर एक दफ़ा खुद सॉल्व करता हूँ जेन में, तो फिर आपको आके कैमरे में रिकॉर्ड करता हूँ, तो फिर आपको इस तरह मैं लेक्चर भेजता हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं सारे लेक्चर बन जाते, मेहनत लगती है। तो मेरी मेहनत के लिए आपको एक लाइक भी करना चाहिए और कमेंट सेक्शन में बताएं मेरी आवाज़ कैसी आई है, मैं कैसा पढ़ाया है, ठीक है, उसके बारे में बताएं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, मेरी वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी मेरी वीडियो देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो में दुआ में याद रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।